सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप मतलब अपने पेन ड्राइव में कोई सा भी फाइल रखते हो ना जो 4 GB से ज़्यादा है, मतलब मूवी या फिर कुछ भी हो जो 4 GB से ज़्यादा है और अपने पेन ड्राइव में रखते हो, तो उधर एक एरर आता है जो अभी मैं दिखाता हूँ आप सबको। एरर क्या है उसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं जैसे कि देख पा रहे हो, ये 6 GB का फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो पेन ड्राइव है मेरा इधर मैं पेस्ट करता हूँ। तो एक एरर आ रहा है, द फाइल और फाइल का नेम है इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी को फिक्स करने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारा पेन ड्राइव है ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, और राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड, ये तो अभी फॉर्मेट होने जा रहा है ना, तो इसमें जितना भी डाटा होगा ना वो सब डिलीट हो जाएगा। तो आप सब इसका बैकअप ले लीजिएगा, इसमें से जितना भी डाटा होगा उसको किसी और ड्राइव में रख लीजिएगा एंड देन इसको फॉर्मेट करके आप इसमें रख दीजिएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन हमें फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है एंड देन कहानी स्टार्ट होता है इधर से। जैसे कि देख पा रहे हो इधर क्या है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, FAT32 है। तो ये डिफ़ॉल्ट पे है, इधर हम क्लिक करेंगे और हमें चूज कर लेना होगा EXFAT। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ये पेन ड्राइव है ना टीवी के लिए यूज कर रहे हो तो आप NTFS सेलेक्ट कर लेना फाइल सिस्टम, EXFAT मत सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप अगर EXFAT चूज करेंगे ना तो शायद हो सके कि ये टीवी में आपका सपोर्ट ना करे। बहुत सारे टीवी में सपोर्ट करता है EXFAT, बहुत सारे टीवी में नहीं सपोर्ट करता है। तो अगर आप टीवी के लिए ये कर रहे हो कोई भी मूवी डाल के देखने के लिए, तो आपको NTFS सेलेक्ट कर लेना है, ओके। वैसे मैं ये लैपटॉप के लिए कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे को पेन ड्राइव सिर्फ लैपटॉप में यूज करना है, मैं टीवी में यूज नहीं करता हूँ। तो मैं EXFAT पे क्लिक करूंगा, ओके, एंड देन हमें स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा और ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हो फॉर्मेट हो चुका है, अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब मैं वही जो मूव कर रहा था ना फाइल, वही फाइल मैं इधर मूव करूंगा या फिर कॉपी करूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हो यह 6 GB का है, इसको कॉपी किया मैं और यह पेन ड्राइव पे गया। आप सबको दिखा दूं, आप सब बोलोगे क्या नहीं। जैसे कि देख पा रहे हो पेन ड्राइव है, इधर गया मैं, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर रहा हूं। अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो ट्रांसफर हो रहा है इजीली। सो फ्रेंड, कुछ इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।